आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है? पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक कहीं नहीं छोड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कई मॉडल पेपर से थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव ही उठाए हैं। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है, यह प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल नहीं कहा था इन्होंने, तो आदिकाल का नाम फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? तो आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। अब आप देखिए, महावीर के वी है, महावीर में वी है, तो वी से बीज वपन काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बीज वपन काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आती है बात वीर गाथा काल, तो ये वीर गाथा काल आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो आपका राइट आंसर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खलिक बारी दो सुखने पहेलियां मुकरियां गजल किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। तो निम्नलिखित में से अपनी व्यंग्य रचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है? भैया हरशंकर प्रसाई, निंदा रस, बड़ा आनंद आता है, हरशंकर प्रसाई बड़े व्यंग्यकार थे। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है, आलोचनात्मक आलोचनात्मक कृति है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी की। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, तंत्रालोक से यंत्र लोक तक क्या है? तो लिखा है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, यानी यहां से वहां। तो यहां से वहां अगर आप जाएंगे तो क्या करेंगे? यात्रा करेंगे, इसलिए यह विधा यात्रा व्रत कहलाएगी। श्रृंगार शिरोमणि की रचयिता कौन है? जसवंत सिंह दुती हैं, द्विजदेव हैं, ग्वाल हैं, बेनी बंदी जन हैं। श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिरोमणि की रचयिता कौन है? फटाफट सोचिए, श्रृंगार शिरोमणि के रचयिता कौन है? श्रृंगार शिरोमणि, चलिए श्रृंगार शिरोमणि के नहीं पता है तो आप देख लीजिए सोमनाथ की रचना क्या है। सोमनाथ एक कवि हुए, श्रृंगार शिरोमणि अगर आपको पता है तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसे मुझे कंफ्यूजन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। सोमनाथ रस पीयूष ने, सोम माने भी रस, क्या होता है? पीयूष होता है, पीयूष माने अमृत। तो सोम और अमृत एक ही रचना, मैं आप पर्यायवाची से समझ लीजिए उसको, याद कर ले। हरी घास पर क्षण भर या गे की रचना है, और ये सही सुमेलित है। इसमें सही क्या सुमेलित है? सही क्या सुमेलित है? भारत भारती महाकाव्य है, गीतिका वीर काव्य है, प्रणभंग चरित काव्य है, रश्मिरथी खंड काव्य है, यही तो सही है। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी, कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? तो युगांत प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, क्योंकि युग का अंत तो हो जाता है जब छायावाद का, तो प्रगतिवाद प्रारंभ होता है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का सद्जन हो जाएगा, ठीक है, सद्जन हो जाएगा सज्जन का, ठीक है, और सतजन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक क्या जाएगा पता है आपको? चा, देखिए ताका जा तृतीय होना, तो ताका जा सतजन है, इसलिए आपका ऑप्शन ए अधिक सही है, तो ये यही सही है, सत्यजन। योद्धा में कौन सी संधि होगी? योद्धा में जस तो संधि है, पव का मतलब पावक होगा, बी ऑप्शन सही है। घनश्याम में घन इव श्यामः कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पल का विग्रह होगा, नीलम च उत्पलम च, ठीक है, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, ठीक है, ये कर्मधारय समास है। नेष्यन्ति नी धातु में किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? नी धातु, नेष्यन्ति, तो पठिष्यन्ति जो होता है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, तो ये नी धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन है और लृट लकार का रूप है। लृट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। सरित्सु सप्तमी का बहुवचन है, सरित्सु मैंने बताया था ना, सु जहां पे लग जाए वहां सप्तमी का बहुवचन होता है, ठीक है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था।
अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं, द्विवेदी युग का लेखक इनमें से कौन सा नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी और श्याम सुंदर दास, जो द्विवेदी युग में नहीं था, तो कौन से युग में था? द्विवेदी युग के लेखक निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? ठीक है, तो श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग में थे, तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के थे? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के थे? हाँ, तो इसमें से जो डॉक्टर नगेंद्र हैं ये होंगे, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, सब द्विवेदी युगीन लेखक थे, परंतु डॉक्टर नगेंद्र जो है वो छायावदोत्तर युग के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? अब नाटक कौन सी है? तो चिंतामणि नहीं, गोदान उपन्यास है, चिंतामणि निबंध है, अशोक के फूल निबंध है, तो स्कंदगुप्त नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद जी का है, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही उल्लेखनीय साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो तुलसीदास, नंददास, अग्रदास, नाभादास। देखिए नंददास जो थे ये कौन थे? नंददास जो थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास ये राम भक्ति शाखा के कवि थे। उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की भी है और जयशंकर प्रसाद जी की भी है, ठीक है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी बहुत महत्वपूर्ण है, मशहूर है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भी। और रामचंद्रिका के केशव दास हैं, कविकुल कल्पतरु, चिंतामणि, इसके रचयिता हैं चिंतामणि, और भड़ौवा संग्रह, भड़ौवा संग्रह के कौन है? इसका आंसर नहीं पता है, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आवारा मसीहा नामक रचना किस विधा की है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई है, जीवनी है, ये शरत चंद्र की जीवनी है, बहुत बार पूछी गई है। भक्तमाल नाभादास इसके रचयिता हैं। और निम्न में से कौन भारतेंदु युग का नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, ध्रुवस्वामिनी, यमपाली, नल दमयंती, तो भारतेंदु युग का ध्रुवस्वामिनी नहीं है, ये जो है छायावाद युग का है, ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतकालीन कवि भूषण की नहीं है? शिवा बामनी, शिवराज भूषण, सुजान सागर, सुजान सागर नहीं है, ये आपकी किसकी है? सुजान घनानंद जी की है। दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। और प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, तो इसके उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध युग किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, कुछ कुछ छायावाद युग में थे, लेकिन द्विवेदी युग ज्यादा माना जाएगा। द्वापर किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, द्वापर और अनघ रीतिबद्ध कवि, काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध, ठीक है, घनानंद बोधा आलम। रीतिबद्ध में आप देखिए, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, हम अलग से आपको वीडियो रीतकालीन, रीतिबद्ध, रीतसिद्ध और रीतिमुक्त के बना देंगे, ठीक। चलिए, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ये बहुत बार पूछा जाता है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का नय अकह, उल्लास का उत्लास, रामाग्रता का रामह, रामाग्रता, रामधन आग्रता होगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, रामाग्रता है नहीं, ठीक है, तो रामह आग्रता होगा, रामह अग्रता, तो आपको डी जाएगा, तो रामो अग्रता लिखा होगा, रामो अग्रता, ठीक है, तो सही हो जाएगा। वो फिलहाल क्वेश्चन गलत टाइप है। नीलाम्बुज में शमस कौन सा है? नीलम अम्बुजम, नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास है। त्रिलोकी में त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रिलोकीनाथ बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, किसी का नाम है। नेष्यन्ति में नी धातु,
धातु बताया ना, नेष्यंत में नी धातु अभी तो बता चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन दोहराया गया है। नेष्यंत में नी धातु यानी कि प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, लृट लकार है, ठीक है, तिष्ठेव पठेव तिष्ठेव, तो ये विच्चही के अर्थ में लगेगा, विधिलिंग लकार है, ठीक है, इसमें विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। अनयः रूप कहाँ का है? अनयः, चलिए नहीं पता है मुझे। विद्वत्तम में प्रत्यय है, विद्वत्तम तुम तो आप प्रत्यय है। धनवान में वतुक प्रत्यय है, ठीक है। फिर है मातुः हृदयम् कन्या प्रति स्निग्धम्, तो कन्याम प्रति स्निग्धम् भवति, हा प्रतियोगे वार्तिक, ठीक है। तो ये द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक है। छात्रासु लता श्रेष्ठा, छात्रों में लता श्रेष्ठ है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यतश्च निर्धारणम सूत्र से अहमपि त्वया सार्धम सहसाकम सार्धम, तृतीया विभक्ति हो जाएगी त्वया में। तो कैसा लगा जरूर बताएं।